Good morning everyone. So today we will be continuing the video from the next topic, that is irrigation. What is irrigation? Irrigation word सुनते ही हमारे mind में सबसे पहले क्या आता है? हमारे mind में irrigation word सुनते सबसे पहले अगर कुछ आता है तो that is water and crops. So अगर हम इसकी definition बनाना चाहें तो हम क्या बना सकते हैं? Water supply to the crops at a certain and regular interval of time is known as irrigation. Why irrigation is important? Irrigation इसलिए important होता है क्योंकि जो irrigated lands होते हैं वो अच्छी quality के crops produce करते हैं when compared to non-irrigated land. हम इसको इससे भी relate कर सकते हैं कि हमें humans को जो है वो 3 liters of water की requirement होती है in a day. तो अगर हम 3 liter ना पे करके 1 ही liter पी रहे हैं या 3 liter से बहुत ज़्यादा 4-5 liter पी रहे हैं तो 1 liter वालों को भी they are going to suffer with some of the other problems. और जो 4-5 लीटर पी रहे हैं दे आर ऑल्सो गोइंग टू सफ़र फ्रॉम सम ऑफ दी अदर प्रॉब्लम्स. तो इसी तरीके से हमारी जो लैंड है, जो क्रॉप्स है, उसमें भी एडिक्वेट अमाउंट में वाटर सप्लाई होना ज़रूरी है. अगर हम अच्छे अमाउंट में वाटर सप्लाई नहीं करते हैं तो जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है वो अच्छे क्वालिटी की नहीं होने वाली. सो जितनी ज़रूरत है हमें उतना ही पानी देना चाहिए और राइट अमाउंट में देना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम. अगर हमने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो ड्राइनेस की सिचुएशन आ जाएगी और बहुत कम पानी दिया तो इट विल अटेन तो कौन सी सिचुएशन आएगी? विल्टिंग की सिचुएशन आ जाएगी. व्हाट इज विल्टिंग? येलोइंग ऑफ द लीफ इज नोन एज विल्टिंग. हमने हमेशा अपने घर में देखा होगा जो प्लांट्स हम घर में भी ग्रो करते हैं उसमें भी कई बार लीफ येलोइश होना स्टार्ट कर देती हैं. दैट इज ड्यू टू द एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर. तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें एक्सेस वाटर भी नहीं देना है और बहुत कम पानी भी नहीं देना है. हमें इतना देना है जो कि उसके ग्रोथ के लिए ज़रूरी है. होप दिस टॉपिक इज क्लियर. अब जो इरिगेशन में वाटर की ज़रूरत होती है वो कहाँ से लेते हैं? वाटर रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन कैन बी टेकन फ्रॉम द रिजर्वर्स, रिवर्स, लेक एक्सेट्रा. और फिर ये क्या करते हैं? कैनाल सिस्टम बनाते हैं. कैनाल सिस्टम से ये वाटर इन सब जगहों से फील्ड में पहुँचता है. तो जब इस मेथड से ये पहुँचता है तो फील्ड में इरिगेशन होता है. फील्ड में इरिगेशन होता है विच विल बी गुड फॉर द क्रॉप्स. नाउ कम्स द मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन. मॉडर्न मेथड ऑफ इरीगेशन में कौन कौन से मेथड है? स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम. स्प्रिंकलर सिस्टम में एक नॉजल होता है जो पाइप से अटैच होता है. वो नॉजल स्प्रिंकल करता रहता है वाटर क्रॉप्स पे. तो वो किस तरीके से अपीयर होता है? वो इस तरीके से अपीयर होता है जैसे कि रेनफॉल. ये किस एरिया पे किया जाता है? ये उन एरियाज पे किया जाता है जहाँ पे अनइवन रेनफॉल्स हैं या लेस रेनफॉल्स हैं. क्लियर? नाउ कम्स ड्रिप सिस्टम. वॉट इज ड्रिप सिस्टम? ड्रिप सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि ड्रिप जो है वो स्लोली रूट्स को वाटर देता है और इससे वाटर की वेस्टेज भी नहीं होती है और पानी जो है वो रूट्स में पहुंच भी जाता है. तो ये वेस्टेज ऑफ वाटर को मिनिमाइज करता है, साथ साथ इससे जो एक्सेस वाटर है वो भी बच जाता है. तो ये किस एरियाज में किया जाता है? ये उन एरियाज में किया जाता है जहाँ पर वाटर की स्कैसिटी यानी कि वाटर की कमी हो. होप स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम इज क्लियर. वीडिंग. वॉट इज वीडिंग? वीड्स हमने अपने घरों में देखा होगा जो हम प्लांट्स लगाते हैं उसमें भी कई बार कोई और प्लांट्स भी उस प्लांट के साथ साथ ग्रो करने लगते हैं. तो जो अनवांटेड प्लांट्स हैं दैट इज नोन एज वीड. अब जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उसके रिमूवल की टेक्निक को हम वीडिंग कहते हैं. और उसकी रिमूवल क्यों इम्पॉर्टेंस है? मान लीजिए कि कोई भी प्लांट मैंने लगाया, मैंने रोज़ का प्लांट लगा दिया, उसके साथ साथ वहाँ पे कोई ग्रास भी ग्रो करने लगी तो जो रूट जो दोनों की रूट्स हैं वो आपस में वहीं पे मतलब कि एक्सेस वाटर लेने की कोशिश करेंगी. तो जो रोज़ है उसको कहीं ना कहीं एक लॉस होगा उस ग्रास की वजह से. तो इसी वजह से जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं क्रॉप में से और जो भी कम्पीट करना बेसिकली स्टार्ट कर देते हैं. जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो वीड्स हैं, वो कम्पीट करना स्टार्ट कर देते हैं मेन क्रॉप से. तो इस वजह से उसमें एक्सेस न्यूट्रिशन चला जाता है जो हमारे मेन क्रॉप हैं उससे, और उससे मेन क्रॉप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सफ़र करते हैं. अनवांटेड प्लांट्स और वीड के एग्जाम्पल्स यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, दैट इज अमेरेंथस एंड सियोपोडियम. अमेरेंथस एंड सियोपोडियम. होप वीडिंग इज क्लियर. Now we will come to the next topic, that is protection from pests and diseases. जैसे कि हमें diseases होती हैं, plant को भी diseases होती हैं. Plant को भी diseases होती हैं, तो plant को disease free करने के लिए pesticides, fungicides को वो sprinkle करते हैं plants के ऊपर. It can be mixed with manure and
बीन पुट इन टू द सॉइल, और वो वाटर में मिला करके स्प्रिंकल कर सकते हैं। सो इस तरीके से वो प्लांट को या क्रॉप्स को डिजीज फ्री बना देते हैं। ऐसे बहुत सारे माइक्रोबैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंजाई होते हैं, जो कि प्लांट्स में बहुत ही माइन्यूट पोर्स तक जा करके उनको हार्म कर सकते हैं। तो ऐसे फंजाई के ग्रुप्स को किल करने के लिए हम फंजीसाइड्स का यूज करते हैं। बैक्टीरिया वायरसेस को किल करने के लिए यूज सेवरल अदर केमिकल्स। सो दीज आर द बेसिकली हम कह सकते हैं ये प्लांट की एक मेडिसिन की तरह काम करता है। होप द प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज इज क्लियर नाउ। हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। व्हाट इज हार्वेस्टिंग? अब हमने क्रॉप सीड को सो कर दिया, प्लांट ग्रो भी कर गया, तब उसको हार्वेस्ट भी तो करना है, उसको वहां से निकालना भी तो है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग, और जो मशीन इसमें यूज होती है दैट इज नोन एज हार्वेस्टर। क्रॉप्स कितना टाइम लेता है? बेसिकली 3 to 4 months लेता है ग्रो करने के लिए। तो 3 to 4 months के बाद उनका हार्वेस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। हार्वेस्टिंग के प्रोसेस में जो मशीन यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टर बोलते हैं। द मशीन विच इज बीन यूज इन द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग इज नोन एज हार्वेस्टर। होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स थ्रेशिंग। अब हार्वेस्टिंग का प्रोसेस हो गया। हार्वेस्टिंग के बाद ऐसा तो नहीं कि हमें पूरे के पूरे क्रॉप की जरूरत होगी, कुछ ना कुछ पार्ट तो ऐसा होगा जिसकी हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी क्रॉप के ग्रेन की जरूरत है हमें, सो वी विल कट द एक्सेस पार्ट एंड रिमूव इट फ्रॉम द ग्रेन्स। सो ग्रेन्स हम अलग कर लेंगे, एक्सेस पार्ट प्लांट का अलग कर लेंगे। ग्रेन्स को हम वी विल कीप इट इन अ ड्राई एंड एट अ गुड प्लेस, ताकि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी हो ना बहुत ज़्यादा धूप हो, सो दैट जो ग्रेन्स है वो अच्छी क्वालिटी उसमें बनी रहे। दिस इज नोन एज थ्रेशिंग। विनोइंग, व्हाट इज विनोइंग? अब ग्रेन्स को हमने अलग कर लिया, अब ग्रेन्स को सेपरेट भी तो करना है जो अनवांटेड मटेरियल्स है उससे। तो सेपरेट किससे किया जाता है? सेपरेट करने का जो इंस्ट्रूमेंट है या जो मटेरियल है उसे हम चाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाफ बोलते हैं। और ये प्रोसेस मैनुअली भी होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ मशीन्स आल्सो। और जो मैनुअली प्रोसेस होता है इस विंड की हेल्प से, इसको हम क्या कहेंगे? विनोइंग कहेंगे। क्या कहेंगे? विनोइंग। विनोइंग में बोथ द मिक्सचर इज अलाउड टू कीप इट एट अ हाइट। दोनों मिक्सचर को, ग्रेन्स के और अनवांटेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट के मिक्सचर को, हम एक हाइट पे रखते हैं। फिर विंड के थ्रू जो है, विंड ब्लोज द लाइट चैफ, जो हल्का जो मटेरियल है वो हवा के थ्रू गिर जाता है या उड़ जाता है। जो हैवियर ग्रेन्स हैं वो बच जाती हैं, फिर द हैवियर ग्रेन्स फॉल डाउन, और उससे जो ग्रेन्स जो हमें जिसकी ज़रूरत है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर? नाउ कम स्टोरेज। हार्वेस्टिंग हो गई, थ्रेशिंग हो गई, विनोइंग हो गई, अब स्टोरेज। अब जो ग्रेन्स हमने कलेक्ट की हैं उनको हम पहले ड्राई करेंगे सन में, फिर उसके बाद विल इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द ग्रेन्स। जब हम क्वालिटी इंश्योर कर लेंगे तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि उसमें कोई डिजीज तो नहीं है। जब उसमें कोई डिजीज नहीं होंगी तो विल स्टार्ट स्टोरिंग दैट पर्टिकुलर ग्रेन, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टोरेज। नाउ कम्स द राइज इन क्रॉप प्रोड्यूस। अब क्रॉप प्रोड्यूस में राइस कैसे कैसे हम क्रॉप प्रोड्यूस को बढ़ाएं? सो एज वी ऑल, जैसे कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया, पहले तो सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट हुआ करता था एग्रीकल्चर, फिर उसके बाद धीरे धीरे इंडिया के लिए होने लगा, फिर उसके बाद वो एक्सपोर्टर होने लगा इंडिया क्रॉप्स का। सो इसी तरीके से क्रॉप प्रोड्यूस में जो है, अगर क्रॉप में हम अच्छी फैसिलिटी देंगे, नेचुरल मेथड यूज करेंगे, अच्छी क्वालिटी के पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स और फंजीसाइड्स यूज करेंगे, और जो मैन्योर रहेगा दैट विल बी ऑफ नेचुरल क्वालिटी, सो क्रॉप प्रोडक्शन में राइज होगा। साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो हम वाटर सप्लाई करें, वाटर शुड बी इन एडिक्वेट अमाउंट, वेयर एज जो हम सनलाइट हो दैट शुड बी प्रॉपरली गिवन टू द प्लांट्स। तो जिसके वजह से, दीज आर द फ्यू फैक्टर्स जिसके वजह से क्रॉप प्रोड्यूस जो है हमारा अच्छा हो सकता है।
Now comes hybridization. What is hybridization? Hybridization is a technique through which new variety of crops are developed by crossbreeding to different varieties of crops. अब इसमें ये क्या कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में, कोई दो वैरायटी की क्रॉप्स ले रहे हैं. क्लियर? कोई भी दो वैरायटी की क्रॉप्स ले रहे हैं और दो वैरायटी की क्रॉप से थर्ड वैरायटी ग्रो कर रहे हैं. जो थर्ड वैरायटी की क्रॉप्स आ रही हैं तो उसमें जो दोनों वैरायटी की क्रॉप्स के जीन्स आ जा रहे हैं, जब उन दोनों क्रॉप्स के जीन्स आ जा रहे हैं तो उसकी क्वालिटी और इनहेंस हो जा रही है और अच्छी आ जा रही है. सो जो उसकी ग्रोथ है वो भी बढ़ रही है एंड द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स और द सीड्स विच द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स इज ऑल्सो बी इंक्रीज्ड, हायर यील्ड्स हो रही हैं साथ साथ. और जो डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप भी देखने को मिल रही हैं. सो दीज आर द फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सो हियर अ पॉइंट इज गिवन, द ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ 1960s एंड 1970s इन इंडिया वॉज ब्रॉट अबाउट द इम्पॉर्टेंट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ वीट फ्रॉम मैक्सिको. सो जो 1960s और 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ वो मैक्सिको से अच्छी वेराइटी की वीट के क्रॉप्स की हाई यील्डिंग स्टार्ट हो गई वहाँ से मैक्सिको से. बिसाइज हाई यील्डिंग द प्लांट्स वर स्मॉलर एंड स्ट्रॉन्गर एंड हैड बेटर रिस्पॉन्स टू द फर्टिलाइजर. और ऐसे प्लांट्स का जो रिस्पॉन्स था फर्टिलाइजर्स पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगा. एंड आफ्टर दैट ग्रीन, सो इसीलिए हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा ग्रीन रेवोल्यूशन मार्क्स अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. जो ग्रीन रेवोल्यूशन था दैट मार्क्स अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. नाउ द टॉपिक कम्स नाइट्रोजन साइकिल. वॉट इज नाइट्रोजन साइकिल? हम जानते हैं हमारे एटमोसफियर में अराउंड 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, पर वो नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में इज ऑफ नो यूज. सो उसको यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. और जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरा साइकिल है, उसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन साइकिल. सो बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द अनयूजफुल और द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द यूजफुल फॉर्म बाय plants is known as nitrogen fixation and the whole process is known as nitrogen cycle. Clear? Nitrogen fixation, nitrogen ko useful form mein convert karna with the help of plant is known as nitrogen fixation. Nitrogen cycle kya hai? Nitrogen cycle jo hai us pure process ko hum, us pure cycle ko hum kya keh rahe hain? Nitrogen cycle keh rahe hain. Now the topic comes animal that gives us फूड. एनिमल्स आर ऑल्सो ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस फॉर अस. सिर्फ प्लांट्स ही नहीं, एनिमल्स भी हमारे फूड के रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल मीट पर्पस, मीट के लिए हम डायरेक्टली एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं, वेर एज एग्स के लिए भी हम डायरेक्टली एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं. मिल्क भी हमारा कहाँ से आ रहा है? एनिमल्स से आ रहा है. सो दीज आर द थ्री बेसिक पॉइंट्स जो कि ज़रूरी है एंड विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द एनिमल. सो हियर द टर्म इज गिवन एनिमल हस्बेंड्री. वट इज एनिमल हस्बेंड्री? द ब्रीडिंग फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पजेज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल्स की ब्रीडिंग और उसकी फीडिंग एंड केयरिंग का जो पूरा प्रोसेस है या पर्पज है इसको हम क्या कह रहे हैं? एनिमल हस्बेंड्री. द ब्रीडिंग फीडिंग एंड केयरिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स फॉर फूड एंड अदर पर्पजेज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री. फिर यहाँ पे एक टॉपिक आ रहा है फिशीकल्चर वर्सेज फिशीकल्चर. लार्ज स्केल पे फिश को रेयर करना, रेयरिंग ऑफ द फिश फॉर फूड इज नोन एज फिशीकल्चर. वी ऑल नो दैट की फिश भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है फूड के लिए, तो उसकी लार्ज स्केल पे रेयरिंग का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं? द रेयरिंग ऑफ द फिशेज ऑन अ लार्ज स्केल इज नोन एज फिशीकल्चर. फिर उसके बाद मिल्क जो है वो काउ और बफेलो और गोट कैमल से आ रहा है. सो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट इंक्लूडिंग मिल्क प्रोडक्ट्स हमें इन एनिमल्स पर डिपेंड होना पड़ता है. सो दैट इज वाई वी आर ऑल डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स फॉर मिल्क, एग एंड मीट.
अपार्ट फ्रॉम दीज हनी बीज प्रोवाइड अस हनी, जैसे कि हमें पता है जो हमें हनी मिलती है वो हनी बीज से मिलती है। तो हनी बीज की रेयरिंग लार्ज स्केल पे दैट इज कॉल्ड एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल रेयरिंग ऑफ हनी बीज इज कॉल्ड एपीकल्चर। सो विद दिस योर चैप्टर्स गेट फिनिश्ड, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी ऑफ द टॉपिक यू कैन आस्क। बिफोर दैट आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन एक्टिविटी। द एक्टिविटीज, आप सबके किचन में धनिये की जो सीड्स होती हैं दैट इज कोरिएंडर सीड्स सबके घरों में प्रेजेंट होती हैं। सो आप क्या करना कि कुछ सीड्स को लेना, उसके ऊपर उसको आप सो करना। सो करने के बाद जब आप उसको सो करोगे तो उसमें आप रेगुलर इंटरवल के टाइम पे वाटर सप्लाई करना। जब आप उसको रेगुलर इंटरवल पे वाटर सप्लाई करोगे तो उसमें से जो कोरिएंडर प्लांट है वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा। सो दिस वाज द एक्टिविटीज, एंड जस्ट क्लिक अ फोटो एंड सेंड इट ऑन टू द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स विच आर बीन अटैच्ड टू। सो थैंक यू।